लड़ाई नहीं करते हैं। अच्छे 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 ओए देख रहे कश्मीर कसर बुरा सजी थी अभी अभी आँखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी जिब्रील पूछते थे फरिश्तों से बार बार इसके लबों के नाते मरी थी अभी अभी। वैसे मैं देख रहा हूँ आप लोगों के अंदाज को आप लोगों के मिजाज को कि सिर्फ पैसों से काम चला रहे हो जबान से नहीं और एक बात के लिए मैं खास तौर से हिदायत करना चाहता हूँ स्टेज के उलमा और चाहे वो आवाम वो बात ये है कि सिलसिले कादरिया दरअसल दर हकीकत सिलसिले कादरिया क्या है कौन सा सिलसिला है कादरिया सिलसिले कादरिया आप किताब उठाए के देखें तस्किरे मशायख कादरिया बरकातिया रजविया तो हुजूर को से बात रज़ियल्लाह तआला अन्हु से शजरा आता है बरेलविया तो क्या है सिलसिले कादरिया कुछ दिन ये सिलसिला चला बरकातिया कुछ दिन सिलसिला चला रजविया और सारे नस्बतों को तोड़कर अपने मकसद अपने मिशन को आगे बढ़ दिया और सिलसिले बदल दिया वजूद में आ गया। कहीं भी नारा लगता है या कोई भी प्रचार करता है तो सिर्फ रजविया अगर उनसे पूछा जाए आज के नए दौर के नए मौलवियों से या नई आवाम से कि ये बताओ कि सिलसिले बदलिया क्या है तो बताएंगे इमाम अहमद रजा से जा रही ये तो बताएंगे। मैंने ये बात क्यों कही ये जहन देने के लिए और इस बात का कि आप लोग नारे लगा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है जितने हुजूर नूरुल अनवार नन्हे मियाँ मेरे हो जाएंगे जितने हुजूर मशारिफ अनवार मियाँ मेरे हो जाएंगे न किसी के नहीं होंगे क्योंकि मेरे बड़े बाप हैं मेरे बड़े भाई हैं अकीदतों को सलाम करता हूँ आपके जज्बे की कद्र करता हूँ लेकिन ये नूरुल अनवार नन्हे मियाँ हूँ ये मशारिफुल अनवार मियाँ हूँ गाजिया मिल्लत या और इंसानदान हूँ तो खुदा के लिए आप जड़ 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 पाल बाट जड़ से पाल बाट जड़ का जिक्र नहीं करेंगे तो जिस तरह से लोग इमाम आजम को भूल गए जिस तरह से लोग गौसे पाक को भूल गए उसी तरह से गुलाम मदार और सैयद मदार मियाँ को भूल जाएंगे। कौन जानता है हुजूर बब्बर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कोई जानता है आज वो लोग उतनी उम्र के लोग जो हुजूर बब्बर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से गए वो उनसे वाकिफ हैं लेकिन वो भी जब दुनिया से चले जाएंगे तो उनका जिक्र भी खत्म हो जाएगा। मैं ये रद्द नहीं कर रहा हूँ नूरुल अनवार मियाँ के जिक्र को न करो या मशारिफ अनवार मियाँ के जिक्र को मत करो मैं तो चाहता हूँ इस स्टेज पर आपने हम सबको बुलाया आज बड़ी खुशी की बात महसूस हो रही है काश वक्ते नकुल हथियार मियाँ साहब काश वक्ते नकुल आफात मियाँ साहब तो ये स्टेज इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक मरकर बनकर हमारे सामने नजर आता है। हम लोग यहाँ मोहब्बतों को खत्म करने नहीं आते हम मोहब्बतों को वाबस्ता करने जोड़ने के लिए आते हैं तो अगर आप नूरुल अनवार मियाँ का नारा लगाते हैं तो कम से कम गुलाम मदार मियाँ का नारा भी लगाएं क्योंकि नूरुल अनवार मियाँ जब ही आ रहे हैं तो गुलाम मदार मियाँ आए और इस निस्बत से और लगाइए कि हुजूर नूरुल अनवार रहमतुल्लाह अलैह हैं जो दामाद हैं सैयद मदार रहमतुल्लाह अलैह और सगे भगे हैं
نتیجے کی ہے نا غلامت اور غلام مدار کے یہاں کے صاحب زادے تو باپ کا بیٹے کا ذکر جب کہ باپ کا نہیں کرو گا کچھ سمجھ میں آیا آئندہ سے اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھنا کہ سارے لوگوں کو یاد کیا تاکہ تمہاری آنے والی مسئلے بھی ان کو یاد کیا پڑھنے کا مقصد نہیں ہے میرا بھی آواز کام نہیں کر رہی ہے لیکن بہت لوگوں نے کہا تو میں پڑھوں گا درود پاک پڑھوں گا